लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रसल मीन नाइट 2 के ऑल मैचेस लिस्ट एंड प्रेडिक्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला मैच है जो मैं पिछले वीडियो में कवर करना भूल गया था, यानी कि जियोस वर्सेस जिमी उसो। तो ये मैच मैं कवर करना भूल गया था पिछली वीडियो में, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था। ये मैच में जिमी उसो वर्सेस जियोस की क्या बैलेंस स्टोरी लाइन चल रही है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों जीतेगा और कैसे जीतेगा। तो सबसे पहले बैकलैश या पे बैक याद नहीं मेरे को, बट हाँ पे बैक के टाइम में लोग दोनों का ब्रेकअप हुआ था, कि ये दोनों अलग हो गए थे। तब से रूमर आ रहा था कि जियोस और जिमी उसो का मैच होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग ने पे बैक के टाइम में नहीं कराया, क्योंकि उन्हें रसलमेना में कराना। रसलमेना का सीजन आ गया था, जिमी उसो ने आके अटैक कर दिया है जियोस उसो के ऊपर, और जियोस उसो ने अपने ऊपर अटैक का बदला लेते हुए जिमी उसो के ऊपर ऑफ एयर हमला कर दिया था मंडे नाइट रॉ पे। पर फिर बीच में फिर रूमर आता है कि जियोस उसो कभी बोलता है कि ब्लड लाइन बिना जियोस उसो के कुछ नहीं, और बात करी कि मैच जीते कौन, तो ये मैच अगर बैटिंग आउट की तरफ से देखे तो ये मैच जीतने वाले जियोस उसो, जियोस उसो ही जीतेंगे। तो बात करें हमारे नेक्स्ट मैच की, तो वो है कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लैशली। अब बात करें ये वाली स्टोरी लाइन कैसे चल रही है, कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, कौन जीतेगा ये मैच, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये स्टोरी लाइन स्टार्ट कहां से हुआ था। 5 हफ्ते पहले इनका मैच हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया, फिर 4 हफ्ते पहले इनका मैच हुआ डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया, फिर 3 हफ्ते पहले इनका मैच हुआ डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया, फिर 2 हफ्ते पहले इनका मैच हुआ डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। इन्होंने जितना बार भी मैच किया सारा का सारा मैच डिस्क्वालिफिकेशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खत्म करवाया है। क्या मालूम क्यों ये बार बार डिस्क्वालिफिकेशन करवा रहे, कि लगता है इनको दिखाने दे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इनको रसलमेनिया में मैच कराना, ये तो कंफर्म ही है। अब बात करें स्टोरी लाइन को डोमिनेट कौन कर रहा था, ये स्टोरी लाइन को डोमिनेट कर रहे हैं बॉबी लैशली और बॉबी लैशली की टीम। बीच में रूमर्स भी आया था कि बॉबी लैशली और उनकी टीम वर्सेस हो सकता है कैरियन क्रॉस और उनकी टीम का मैच, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस का सिंगल्स मैच करवा रहे हैं रसलमेनिया 40 में। और अब बात करके मैच जीतेगा कौन, तो ये मैच जीतेंगे बॉबी लैशली। और अब बात करें हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो है जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर का मैच रसलमेनिया 40 में। जब से न्यूज आई थी कि जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहा है, तब से रूमर आ रहा है कि जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर का मैच हो सकता है रसलमेनिया 40 में। देखिए इनकी स्टोरी लाइन तो चालू नहीं हुआ, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोरी लाइन में कौन डोमिनेट कर रहा है, किसका ज्यादा चांस है। हाँ, पर एक ही 2 हफ्ते अभी बाकी है, 2-3 हफ्ते तो इधर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग करवा सकते हैं इनका मैच, और ऑफिशियल भी कर सकते हैं ये मैच रसलमेनिया 40 के लिए, इनकी स्टोरी लाइन भी स्टार्ट हो सकती है। बीच में ये भी न्यूज आता कि रसलमेनिया 40 में जेड कारगिल फेस कर सकती है इयो स्काई को उनकी चैंपियनशिप के लिए, पर ये नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर का मैच ही करवाएंगे रसलमेनिया 40 पे, ये तो 100% क्या 200% ही कंफर्म है। हाँ, बात करके मैच जीतेगा कौन, तो ये मैच में बहुत ज्यादा हार्ड है गेस करना कौन जीतेगा। जेड कारगिल नहीं, उनका पहला ही सिंगल्स मैच है तो वो हार नहीं सकती, पर बियंका ब्लेयर की भी स्ट्रीक चल रही है, 3 या 4 की स्ट्रीक है, पर तभी भी स्ट्रीक चल रही है, अनबीटन है वो रसलमेनिया में। तो बात करके मैच जीतेगा कौन, तो ये मैच जीतेंगी बियंका ब्लेयर। अब बात करें हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में, तो ये है लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का ट्रिपल थ्रेड मैच। तो इस मैच की स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए बात करते हैं सन की स्टोरी लाइन में कौन डोमिनेट कर रहा है, किसका ज्यादा चांस है जीतने का। सबसे पहले ये स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है इस साल के रॉयल रंबल में, जहाँ पे मैच हुआ था लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का, जिसको लोगन पॉल ने डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत गया था, क्योंकि केओ ने ब्रास नकल यूज कर लिया था। तो बात करें ये लोगन पॉल का स्टोरी लाइन रैंडी ऑर्टन के साथ कहां से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टोरी लाइन स्टार्ट हुआ था एलिमिनेशन चैम्बर पे, जहां पे ब्रास नकल यूज कर दिया था लोगन पॉल ने रैंडी ऑर्टन के, जिसका जैसे ड्रू मैकइंटायर जीत गए थे एलिमिनेशन चैम्बर, तो उसी का बदला लेते हुए लोगन पॉल के जो दोस्त है केएसआई, उनको आरकीओ लगा दिया था रैंडी ऑर्टन ने। हां, बात करें ये मैच कौन जीतेगा, तो ये मैच अगर बैटिंग आउट की तरफ से देखे तो लोगन पॉल जीतेंगे, पर बीच में न्यूज आई थी कि रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं ये मैच, तो इस न्यूज के बाद हम लोग सबको लगा था कि अब तो रैंडी ऑर्टन बनने वाले हैं रसलमेनिया के बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। बट पर 2 दिन पहले न्यूज आया कि लोगन पॉल बने रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रसलमेनिया 40 में, क्योंकि लोगन पॉल फेस करने वाले हैं जॉन सीना को समर स्लैम में, तो जॉन सीना से पहले वो नहीं हार सकते अपनी चैंपियनशिप। और अगर बात करेगा लोगन पॉल ये मैच नहीं जीते तो सबसे ज्यादा चांस कितना लगा, लोगन पॉल नहीं जीते सबसे ज्यादा चांस रैंडी ऑर्टन का। तो चलिए बात करते हैं तो नेक्स्ट मैच के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट मैच है एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स इन रसलमेनिया 40। और हाँ, ये बात करते हैं कि ये स्टोरी लाइन कहां से चालू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन डोमिनेट कर रहा है, ये मैच में ज्यादा चांस किसका है जीतने का। सबसे पहले ये स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है एलिमिनेशन चैम्बर से, जी हाँ ये वाला स्टोरी लाइन भी
स्टार्ट होता है एलिमिनेशन चैम्बर से। तो एलिमिनेशन चैम्बर में खाली चार ही आदमी लोग बचे होते हैं, एली नाइट, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकइंटायर। और फिर रैंडी ऑर्टन को आके लगा देते हैं अपना फिनिशर, एली नाइट जैसे ही पिन करने जा रहे होते हैं पीछे से आके तो स्टील चेयर लगता है उनको। और फिर कैमरा जैसे ही पीछे घूमता है पता चलता है कि ये तो एज स्टाइल ने अटैक किया है एली नाइट के ऊपर। और लगातार एज स्टाइल 15 स्टील चेयर मारते हैं एली नाइट के पीठ पे, इसकी वजह से वो स्टील चेयर ही टेढ़ा हो जाता है। और उसके बाद आके रेड ब्लड फिनिशर आर के ऑल आके पिन कर देते हैं एली नाइट को। एली नाइट हार जाते हैं, बात करके मैच जीतेगा तो ये मैच जीतेंगे। अगर बैटिंग ओर से तो बता रहे हैं कि ये मैच जीतेंगे एज स्टाइल पर, अगर मैं बोलूं तो ये मैच जीतने वाले हैं एली नाइट। ये बात करो हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में तो ये है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कहां से चले हुए, ऑस्ट्रेलियन कौन डोमिनेट कर रहा है, ये मैच कौन जीतेंगे। तो आज से 3 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेटर गॉडलेट मैच अनाउंस कर रहे हैं जिसमें सैमी ज़ेन और चैड गेबल भी होते हैं। और जैसे कि सबको मालूम था वही लोग दोनों बचे हुए होते हैं फाइनल में, पर सैमी ज़ेन हरा देते हैं चैड गेबल को। उसी पर सैमी ज़ेन बहुत बुरे होते हैं क्योंकि आज फैंस लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं चैड गेबल को। पर तभी भी सैमी ज़ेन आके चैलेंज कर देते हैं गुंथर को, ये मैच ऑफिशियल हो जाता है रेसलमेनिया 40 के लिए। और बात करके श्रीलंका डोमिनेट कौन कर रहा है, ये श्रीलंका डोमिनेट कौन कर रहा है, अभी इक्वल में ही चल रहा है, दोनों ही बराबरी में डोमिनेट कर रहे हैं। और बात करके मैच जीतेगा कौन, तो बहुत सारे बैटिंग ऑर्डर्स बोल रहे हैं कि गुंथर जीतेंगे, पर बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस लोग बोल रहे हैं कि सैमी ज़ेन। पर अगर बात करें कि मेरे हिसाब से मैच कौन जीतने वाला है, तो मेरे हिसाब से मैच जीतने वाले हैं सैमी ज़ेन, क्योंकि अगर चैट गेबल को मौका नहीं मिला है तो सैमी ज़ेन हरा देंगे अब गुंथर को। और बात करें हमारे नेक्स्ट मैच के बारे में तो ये है रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। चलिए बात करते हैं ये मैच कौन जीतने वाला है, कौन स्टोरीलाइन में डोमिनेट कर रहा है, किसका ज्यादा चांस है ये मैच जीतने का। तो मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो का ये फाइनल रेसलमेनिया, इसके बाद अगले रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो नहीं दिखेंगे। और बात करें कि स्टोरीलाइन डोमिनेट कौन कर रहा था, अभी तक स्टोरीलाइन को डोमिनेट कर रहे हैं सैंटोस एस्कोबार। तो इस स्टोरीलाइन का स्टार्ट होता है जब क्राउन जुवेल में मैच हो रहा था लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का, जब रे मिस्टीरियो चैंपियन होते हैं। तो इस मैच के एंड में क्या होता है कि सैंटोस एस्कोबार ला के दे देते हैं ब्रास नकल लोगन पॉल को, जिसकी वजह से रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं लोगन पॉल ब्रास नकल के वजह से। और तभी भी नेक्स्ट स्मैकडाउन में कुछ नहीं बोलते हैं रे मिस्टीरियो, पर सैंटोस एस्कोबार आके हमला कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। उस हमले की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं हमारे रे मिस्टीरियो। तब बात करके बैटिंग ऑर्डर किसी तरफ, बैटिंग ऑर्डर है रे मिस्टीरियो की तरफ, और मेरे हिसाब से मैच जीतने वाले हैं सैंटोस एस्कोबार। तो अब बात करें हमारे मेन इवेंट के बारे में, तो यानी कि वो है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। तो ये मैच का विनर डिसाइड करना बहुत हार्ड है, इसलिए तो ये है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच एवर। तो आइए आराम से बात करते हैं कि कौन स्टोरीलाइन डोमिनेट कर रहा है, किसका ज्यादा बैटिंग ऑर्ड्स किसके तरफ है, ये मैच कौन जीत सकता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये स्टोरीलाइन कहां से स्टार्ट हुआ था, ये स्टोरीलाइन स्टार्ट हुआ था रॉयल रंबल 2023 से, जहां पे कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीत के चैलेंज कर दिया था हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और फिर रेसलमेनिया 39 में का मैच हुआ था रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हुआ था, जिसमें रोमन रेंस जीत गए थे। पर रेसलमेनिया 39 के टाइम में बहुत रूमर आ रहा था, बहुत सारे न्यूज चैनल क्लेम कर रहे थे कि कोडी रोड्स जीत सकते हैं ये मैच। और जैसे कि इस साल का फर्स्ट प्लान था रोमन रेंस वर्सेस रॉक, वैसे पिछले साल के भी फर्स्ट प्लान था रोमन रेंस वर्सेस रॉक, पर इस बार तो रॉक आ गए थे, बट पिछले बार रॉक नहीं आ पाए थे। इस बार भी फर्स्ट प्लान था रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, पर इस बार भी रॉक रॉयल रंबल में नहीं आते, पर फिर रॉक आ गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस। और जो स्मैकडाउन में रॉक आते हैं, स्मैकडाउन में कोडी उसने कहा था कि मैं रोमन रेंस तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, पर रेसलमेनिया में नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई है। और तभी द रॉक का म्यूजिक हिट हो जाता है, और क्या नहीं साथी कोडी और गला मिलकर चले आते हैं रॉक से, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग मैच ऑफिशियल कर देते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक का। और उसके बाद आते हैं कोडी क्राई बेबी, और ट्विटर में ट्रेंड करने लगता है वी वांट कोडी, वी वांट कोडी। इसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है प्रेस इवेंट में। कोडी रोड्स प्रेस इवेंट में आके बोल देते कि मैं रोमन रेंस तुम्हें चैलेंज करता हूं, वहां से ही मैच ऑफिशियल हो जाता है। और साथ ही में एक और मैच ऑफिशियल हो जाता है रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का मैच। बहुत कंफ्यूजन है कि ये मैच जीतेगा कौन, सेथ रॉलिंस धोखा दे सकते हैं कोडी रोड्स को, रॉक भी धोखा दे सकते हैं रोमन रेंस को। इन लोग दोनों का भी स्टोरी लाइन चल रहा है कोडी रोड्स एंड रॉक का, ये मैच भी हो सकता है समर स्लैम में, क्योंकि द रॉक आने वाले हैं समर स्लैम में। दो हफ्ते पहले जब कोडी रोड्स ने थप्पड़ मारा रॉक को, तब रोमन रेंस ने रोक लिया रॉक को, तो इसी बात का बदला ले सकते हैं रॉक रोमन रेंस पे। पर दूसरी तरफ अब सेथ रॉलिंस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वो सबसे ज्यादा हरामी आदमी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में।
ने सबसे ज्यादा मेन पॉइंट पे धोखा दे दिया था द शील्ड को। तो दोनों ही रस्ते जो रोमन इंग्स एंड कोडी रोड्स के साथ है, दोनों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, पर ज्यादा चांस है कि द रॉक धोखा दे दे रोमन इंग्स को। पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लोग रसल मीना के बाद और ओवर करना चाहते हैं कोडी रोड्स को, तब सेथ रॉलिंग्स हमला कर देंगे कोडी रोड्स के ऊपर, तभी भी कोडी रोड जीत जाएंगे ये मैच। ये तो अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, पर ये तो 100% होगी 16 को आके समूह स्पाइक लगा दे, पर तभी भी कोडी रोड्स किक आउट कर दे। और अब बात करें कि मैच जीते हो कौन, तो बैटिंग आउट के हिसाब से तो कोडी रोड्स ही जीतेंगे, वो बहुत ज्यादा लीड कर रहे हैं बैटिंग आउट में, मेरे हिसाब से भी कोडी रोड्स ही मैच जीतेंगे और बन जाएंगे हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और रोमन इंग्स हार जाएंगे मैच। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।